हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे मैंने बताया था कि घर में लगी है, पेंट का काम चला हुआ है, तो उसी में लगी हूँ मैं फ़िलहाल। तो मैंने कहा छोटी सी क्लिप मैंने एक आपके साथ शेयर की है। तो ये जो ये देखिए, पहले मैंने इधर को यहाँ झाड़ू वाड़ू से साफ़ किया था थोड़ा सा। और ये मेरे पास जो मेरी शादी के बर्तन वगैरह थे ना, वो ऐसे कैसे ही सब रखे हुए हैं। तो मैंने कहा इनको भी मैं क्लीन करके रख देती हूँ कपड़े से पहुँच के। हालांकि इनको उससे साफ़ नहीं करूँगी, साबुन से साफ़ नहीं करूँगी इनको, ऐसे ही मैं निकाल के देख रही थी। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा इसके अंदर क्या है ये दिखाओ। तो मैं उसको ही दिखा रही थी। मैंने कहा देख, ये सब तेरी नानी ने दिए हैं मुझे, और ये सारे बर्तन रखे थे इतने सारे। तो जी, इस पूरे इसके अंदर बर्तन ही बर्तन है, ये दिख रहा है आपको सामने बड़ा सा ड्रम जो है, ये इसके अंदर सब में बर्तन रखे हुए हैं और शादी के हैं। सब कुछ मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन बहुत बर्तन अभी रखे हुए हैं। तो ये देख रहे थे पुरानी यादें, कि मेरी बेटी बोलती है कि आपको ना ज़रूरत नहीं है बर्तन ख़रीदने की, आप बाहर से बर्तन मत लाया करो, ये बहुत बर्तन रखे हैं आपके पास। लेकिन ये डिज़ाइन थोड़ा सा वो है ना, पुराने डिज़ाइन के होते हैं, ऐसे ग्लास में यूज़ नहीं करती। तो मैं सब इनको हर एक कटोरी वगैरह तो अच्छी हैं, और वे सब इसमें ही ऐसे के ऐसे इनको निकाल लेते हैं। एक बार निकाल के कपड़ा लगा के इनको फिर इनको वहीं पे रख देंगे मैं इसको उसी की जगह। तो बात भी चल रही है साथ में, और साथ ही साथ अपना काम में भी लगे हुए हैं। तो इन दिनों पेंट का काम लगा हुआ है, आपको पता ही है जैसे कि, तो सारा काम अस्त व्यस्त हुआ है साहब सब। तो मैं एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी ही वीडियो है ये। और ये देखिए, इसमें एक कढ़ाई मिली मुझे काफ़ी बड़ा साइज़ का इसका, लेकिन मुझे बड़े साइज़ की मेरे पास बहुत सारी कढ़ाई रखी है, 4-5 कढ़ाई है मेरे पास, मीडियम साइज़ की हैं, अच्छी बड़ी हैं, छोटी सब, लेकिन सबसे छोटा साइज़ मुझे चाहिए, वही मैं लाऊँगी। ये देखिए कुछ इस तरह का पेंट हुआ है, कलर जो था मैंने वो चेंज भी करा लिया है कुछ जगह। तो ये सब मैं जितना भी सामान रखा हुआ है किचन वगैरह में, सबके ऊपर मैंने कपड़ा डाल के छोड़ दिया है, जिससे कि मैंने कहा ये करते रहेंगे अपना काम और मेरा काम ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो जो गिरेगा पुराने कपड़ों के ऊपर, बेडशीट वगैरह मैंने डाल दिए उसी के ऊपर, ये गिरता रहेगा। तो अभी ये ना भैया ये यहाँ पर कलर बना रहे थे, तो मैं देख रही हूँ मैंने कहा कौन सा कलर बनाओगे, जो मुझे चाहिए था वो, तो उसी हिसाब से मैं इनसे कलर बनवा रही हूँ, क्योंकि ये बना देते हैं जैसा भी आपको चाहिए ना, जो भी कलर आपको कराना है उसी हिसाब से बना देंगे। और अगर इनके ऊपर हमने छोड़ दिया तो फिर ये अपने हिसाब का बनाएंगे, फिर तो जो इनका बनाएगा वही ये बना देंगे। तो मुझे उसमें ना बाहर की तरफ थोड़ा सा एक ग्रीन, मतलब जैसे मेहंदी का कलर होता है, वो वाला कलर चाहिए था बाहर वाले रूम के लिए, तो मैं इनसे वही तैयार करा रही हूँ। तब कह रहे कि आप ना कट देख लो कैसा भी चाहिए, तो हम उसी तरीके का बना देंगे। तो ये जो बाल्टी आती है ना पेंट की, उसी के अंदर ये कलर आता है, तो उसी के मिक्स करके ये लोग बना लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का तो मैंने ऊपर कराया, बाकी मैंने नीचे काफ़ी जगह चेंज करा दिया है। तो ऊपर का कमरा है, इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करते इस कमरे को हम, और नीचे भी मैंने कई जगह चेंज करा लिया है। ये देखिए ऊपर का कुछ इस तरीके का दिखाई रही हूँ मैं आपको। और ये सब देखो फर्श के ऊपर कैसे निशान सब पड़ गए हैं। तो अभी धीरे धीरे होगा, एक साथ तो नहीं होगा, सुबह से लेके शाम हो जाती है, ये लोग तो करते रहते हैं। फिर मेरे को बस ढेर सारा कूड़ा ही निकालना पड़ता है, कूड़ा जहाँ से देखते हैं इतना कूड़ा निकल जाता है, बहुत ज़्यादा डस्टिंग का काम बहुत ज़्यादा निकलता है पेंट में। उसके बाद फिर कब सफाई वैसे चलेगी, मेरी डस्टिंग चलेगी, अलग से पूरे सामान को हर जगह रखना, उठा के उसी जगह पे सब साफ़ सफाई करनी है। तो अभी बहुत काम है, और कोई काम वाली भी नहीं मिलती यहाँ पे तो आसानी से।